तो गाइस मैं अगर किसी के लिए प्रेम रखता हूँ ना, दिल से रखता हूँ, दिखावे के नहीं रखता हूँ कि हाँ अगर मैं नहीं गया तो मैं बुरा हूँ, अगर मैं चला जाता तो अच्छा हूँ। यहाँ पेट का देखिए, मुँह फाड़ दिया है, पेट निकाल रही है। बटर कहाँ रखी हो? बटर भी फ्रिज में रखा था, जम गया था। कितना फ्रेश है यार, इसी से बोले एकदम वाइट वाइट। इसको ऐसे ब्रेड पे लेंगे, जिसको आता है उसके लिए नहीं, जिसको नहीं आता। यहाँ पे देखो साइड हो गए। हाँ यार थोड़ा सा तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए आज अमर जी का तबीयत थोड़ा सा डाउन है और अभी ये नहाए नहीं है। बर्थडे क्या बर्थडे भी कहाँ मनाया है कोमल? तो पता है हमने दूध मंगाया था बढ़िया कंटेंट लाइट का, और क्योंकि इसमें मलाई बहुत मोटा पड़ता है। देखिए दोनों में खौला रखा है आधा आधा किलो। पानी बिल्कुल भी नहीं डाली थी ना, बिल्कुल भी पानी नहीं डाले थे। मलाई देखो गाइस, देखिए मलाई, और ना खौलाने के बाद फ्रिज में रख दो तो और अच्छी मलाई जमती है। देखो तो मैंने गाइस पता है नहा धो के पूजा कर लिया है। देखिए भगवान जी को दो पत्ती जल रही है, और इधर किचन में हमारे नाश्ता बन रहा है, बाबू भी खड़ी है। मैंने पता है दो आधा मतलब एक लीटर दूध था आधा आधा पैकेट का, आधा इसमें अलग अलग उबाले ताकि मलाई ज़्यादा निकले। तो आज और आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई सैंडविच। मलाई यहाँ पे देखिए सारा मटेरियल, मलाई सैंडविच बहुत अच्छा बनाती है। यहाँ पे देखिए इधर और क्या क्या डालेंगे हम आपको दिखाएंगे। खीरा है, टमाटर है, इसमें देखिए खीरा है, टमाटर है, एक हरी मिर्च कट कर लिया है और एक प्याज भी कट कर लेते हैं फटाफट। तो चलो बना लो गाइस, ज्यादा नहीं छोटा सा ही कट करेंगे क्योंकि प्याज का फ्लेवर थोड़ा कम पसंद है। और ड्यूटी भी जाना है मेरे को, इसलिए बोलने फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद मेरा गला भी पता है मैं बिल्कुल भी ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ ना मेरा गला चला जाता है, बहुत कमजोर है। चला जाता है नहीं बैठ जाता है, चला जाता है अपने घर चला जाता है। तुम अच्छे गले का घर अलग होता है क्या? गर्मी है ना। अच्छा जी, छुट्टी मनाने जाता है। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए उसमें डालने मतलब मलाई सैंडविच में डालने के लिए प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च और मलाई, मलाई बिल्कुल मोटी परत वाली। कंट्री डिलाइट की अगर आपको बनाना होगा ना जब भी सैंडविच, नहीं नहीं अगर आपके यहाँ अच्छा दूध आता है तो उसका मलाई मोटा ही पड़ता है। हमारे क्या तो यही है मतलब वो गाय वाली आती है काऊ मिल्क, तो वो उसमें मलाई नहीं पड़ती है इसलिए ये वाला मंगाते हैं। लेकिन यार गांव में पता है जो दूध आता है उसका मलाई कितना अच्छा जमता है। गांव का दूध अलग ही होता है यार, वो नेचुरल होता है, गाय भैंस का होता है। यहाँ तो पता नहीं केमिकल जो पैकेट में केमिकल जरूर होता है क्या बेटा। चलो भाई दिखाते हैं कुछ देर बाद, इधर काट ले इनको। ये क्या डाले बाबू? ये है चिली फ्लेक्स और ये है ऑरिगेनो। तो इसमें भी डालते हैं क्या? अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए गाइस तवा चला दिया है और फटाफट बनने वाला है। इसमें मैंने डाला है काला नमक, वाइट नमक काला नमक दोनों डाल सकते हो, अच्छा लगता है। इसका ना फ्लेवर और टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। देखो क्यों डाल दिया चिली फ्लेक्स? तो यहाँ पे देखिए चिली फ्लेक्स वैसा डाल के इसमें अच्छा। मलाई कम है क्या जी? नहीं जी सही है मलाई, अभी मिलाएगा ना, मिलाएंगे तब ना। तो भाई आप लोगों को मलाई सैंडविच बनाना तो सबसे पहले आपको मलाई इकट्ठा करना पड़ेगा मोटी परत वाली, एक दिन पहले से बॉईल करके रखना, पहले से बॉईल करके, क्योंकि सुबह का नाश्ता खाना है तो रात में बॉईल करना मतलब दूध बॉईल करना पड़ेगा, फिर उसको ठंडा होगा फ्रिज में रख दें, मोटी परत की मलाई जम जाएगी और सुबह अपनी बीबी के हाथों से ये बढ़िया सा मलाई सैंडविच बढ़िया सा खा सकते हैं और कुछ नया टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। आप भी खुश, वाइफ भी खुश, परिवार भी खुश और अपना पेट भी खुश। थोड़ा सा इसमें क्या डाले अब हम? थोड़ा सा नमक डाली हो? नमक डाल दिए। तो चलो ब्रेड निकालो बनाओ। यहाँ पे बाकी तवा भैया लाल हो गया है, गैस जल रहा है देख सकते हैं, और इधर इनका चाय बन गया है, चाय के साथ सैंडविच खाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। क्या ढूंढ रही हो? काला नमक। तो यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक ऐड कर रही है, यहाँ पे बस करो नमक तेज हो जाएगा मज़ा नहीं आएगा फिर। चलिए गाइस अभी बनाते हैं फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पेट का देखिए, मुँह फाड़ दिया है, पेट निकाल रही है। बटर कहाँ रखी हो? वहाँ पे
बटर भी फ्रिज में रखा था जम गया था। कितना फ्रेश है यार, इसीलिए तो बोले एकदम वाइट वाइट। तो गाइस देखिए, इसको ऐसे ब्रेड पे लेंगे, जिसको आता है उसके लिए नहीं, जिसको नहीं आता है उसके लिए ये वीडियो है। तो इसको ऐसे रखेंगे, फिर एक और ब्रेड लेंगे उसको ऊपर लगा देंगे, कवर कर देंगे। हाँ सच में ये खाइएगा अपना, इतना अच्छा इसका टेस्ट है आता है कि क्या बताएं। बटर डाल दिया है, दोनों हाथ से रखें आराम से। अब इसको गाइस ब्राउन होने तक अच्छे से पकाएंगे। क्यों तब से दूसरा नहीं, दूसरा तैयारी करेंगे तो गल जाएगा, भीग जाएगा। हाँ ब्रेड गल जाता है ना। तो चलिए अच्छे से इसमें बटर लगाएंगे। अब गाइस यहाँ पे हमारा चाय भी रेडी है, और मैं ना चाय के साथ ही खाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं ऑमलेट खाती थी, अच्छा लगता था। पहले मैं ऑमलेट खाती थी चाय से, लेकिन अब अंडा वगैरह छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, अंडा वगैरह क्या है। इसीलिए बस गर्मी में तो बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, सादा खाना, आराम से। यहाँ पे देखो साइड हो के। हाँ यार थोड़ा सा बटर इसमें भी लगा दे। अरे क्यों लगा रही हो, मुझे ना बटर का जो वो टेस्ट होता है बहुत अच्छा लगता है। वो भी अच्छी आती है जब बटर चलता है। और आपके घर होगा तो ये ना पिज्जा में जो एक्स्ट्रा बचता है हम रख देते हैं, उठा के काम आ जाता है कभी कभी। हाँ और रख देते हैं तो ये सैंडविच बनाते हैं उसमें काम आ जाता है, नहीं तो हम सीसी इतना बड़ा 50 ग्राम की सीसी आती है वो लाते थे। गला देखो अपना खराब कर लिया है। कोल्ड ड्रिंक से डेली कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक से मजा आ गया भैया। अब तो गाइस आपको एक मिनट में कट करके दिखाती हूँ, हम इसमें काला नमक भी ऐसे ऊपर से छिड़कूंगी अभी। या वाह, दुकान खोलना चाहिए लग रहा है एक मलाई सैंडविच की। सही में सच में बहुत टेस्टी है यार। अगर इसमें वो भी होता स्वीट कॉर्न बेबी और अच्छा लगता है ना। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। अगर इसमें स्वीट कॉर्न डाल दो और टेस्ट हाँ। आएगा। तो चलिए आप खाइए सबसे पहले। चलो पहले बनाओ साथ में खाएंगे ना, क्या ठंडा हो जाएगा उसको खाने, मतलब तुरंत खाओ गरम। अच्छा ठीक है। तो गाइस आप लोग भी अपने घर पे ऐसे ही बना के खाइए और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ऐसे ही अब मैं सारा बनाऊंगी। तो बाकी लोगों ने देख लिया कैसे बनाया, कैसे कट किया, सब कुछ हो गया। यहाँ दूसरा मैडम जी देखिए दूसरा बनाने के लिए रख दिया है। तो चलिए गाइस मिलते हैं कुछ देर में, तब तक थोड़ा एंजॉय लेते हैं इतना टेस्टी टेस्टी जो उन्होंने बनाया है। A few moments later. तो गाइस आज का जो नाश्ता बना था बहुत ही बढ़िया था। मैं ड्यूटी जल्दी जाने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश मैं लेट जाऊंगा, फ़ोन आ गया कि आप थोड़ा लेट आना। तो आज खाने का टाइम भी हो गया है और गर्मी बहुत है, और मैडम जी भी देखे थे नहा धो के बैठ गई हैं। कब गर्मी इतना है ना, कुछ पहनने का ओढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एसी भी नहीं चल रहा है। और यहाँ बन गया है स्पेशल तहरी चावल वाली मसालेदार, इतनी गर्मी में सबसे कंफर्टेबल नाइट ही है। और साथ में है इसके दही, दही के साथ खाएंगे बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए खा लेते हैं, इतना गर्मी में इतना प्यार से इतना मेहनत से बनाया है। सुबह नाश्ता बनाया था मलाई सैंडविच, और दोपहर में भैया तहरी का तहरी बना दो हल्का सा, यही खा लेंगे। और ठीक है, बढ़िया है, गरम गरम है, मसालेदार है। तो चलिए गाइस खा के आप लोगों से मिलते हैं, फिर पता है एक घंटे बाद फिर ड्यूटी भी जाना है, तो थोड़ा सा खाने के बाद आराम भी कर लेंगे, दोपहर में खाने के बाद आराम करना चाहिए। चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। तो गाइस मैं आ गया हूँ ड्यूटी पे, और बहुत सारे हमारे जो टू फैमिली है कमेंट कर रहे थे कि आप किसी को देखने नहीं गए, किसी को देखने नहीं गए, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो गाइस मेरा बस यही कहना है, देखो कुछ रिश्ते होते हैं ना जो दिल से होते हैं, दिखावे के नहीं होते हैं। कि मैं अगर वहाँ चला जाऊँगा तो अच्छा होगा, नहीं गया तो बुरे हो गए। गाइस नेटवर्क का ज़माना है, लोग फ़ोन से वीडियो कॉल से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने भी भाई वीडियो कॉल से पूछा और कॉल भी किया। तो ये चीज़ होती है कि भाई कोई अगर अपने परिवार का बीमार होता है तो दुख सबको होता है। मुझे भी पता है कितनी बीमार है और हम गए नहीं, तो गाइस जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं चला भी जाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट
ऐसे कमेंट मत करो कि हाँ तुम पार्टी कर रहे हो, पार्टी करना होता तो हम क्लब जाते, बाहर जाते, कहीं अच्छे जगह जाते हैं। हाँ बस इसीलिए हम लोग पार्टी भी नहीं किए, घर पे ही है, बस खाना पीना खाएं बस होगा। और बात की हमने कितनी की, अभी जस्ट अभी भी मैंने बात की कि हाँ कैसा तबीयत, वही ठीक है, अब बुखार उखार नहीं उतर रहा है। तो जिसको फिक्र होता है ना वो दिल से करता है, वो दिखावे का नहीं करता है। तो मेरे अंदर ऐसा नहीं कि मैं दिखाऊँ कि हाँ सब लोग पहुँचे तो हम भी पहुँचे। तो सब लोग पहुँचने मतलब फिर गाँव से मम्मी भी आए, मेरे पापा भी आए, मेरे भाई भी आए हैं। तो ऐसा होता है ना कि भाई वो तो वो लोग भी आए फिर देखें। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करिए, जिसके लिए प्यार है मैं मेरे दिल में वो दिल से है। तो मैं सबको दिल से मानता हूँ, सबको दिल से केयर करता हूँ, दिखावा कुछ नहीं है। बस ये आपसे कहना था कि आप लोग प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करिए प्लीज़। हमको भी बहुत फिक्र है कृतिक का, तो हमने इसलिए दिन में 3-4 बार कॉल कर लेता हूँ मैं। तो बस यही सब बातें थी, बाकी आप लोग जो जिसको जो समझना है समझेगा। इस अगर आप लोग को यही लगता है कि आपको जाना चाहिए, जाने से प्यार होता है, केयर होता है, तो मैं चला भी जाऊँगा। बस यही आप लोग से कहना था।